नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान में एक बार फिर से खाचरियावास ने जिस तरीके से अब अशोक गहलोत के खिलाफ धावा बोल दिया है, और दरअसल इस वक्त की अगर बात की जाए तो राजस्थान की सियासत में सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर इस पूरे मामले को समझे आप तो सीधे तौर पर पार्टी में कई विधायक ऐसे मौजूद हैं जो अशोक गहलोत के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, और ऐसे में इस पूरे मामले को आप समझिए। दरअसल राजस्थान में एक के बाद एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है और विधायकों के भीतर कहीं ना कहीं अंतर्कलह लगातार चल ही रही है, और इस बीच पार्टी में जिस तरीके से लगातार ये सारी बातें की जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि पार्टी के भीतर अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कोई स्थिरता नहीं बना पाते हैं तो पार्टी में एक बड़ी टूट भी हो सकती है क्योंकि चुनाव नज़दीक है, ये सारी बातें कही जा रही है। और साथ ही राजस्थान के मुद्दे पर आखिरी तौर पर माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही इस पूरे मामले पर फैसला लेते नजर आएंगे, उन्हीं के द्वारा फैसला लिया जाएगा और वही तय करेंगे कि पार्टी का अगला कदम क्या होगा, अगला CM चेहरा कौन होगा और पार्टी की रणनीति आने वाले समय में किस तरीके से बदलेगी। तो ये तमाम कई ऐसे बड़े फैक्टर हैं जिसको लेकर के सीधे तौर पर माना जा रहा है कि राजस्थान में अब कई तरीके के बदलाव जो है वो आ सकते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर लगातार इस तरीके की दुहाई दी जाती है कि पार्टी उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंप सकती है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर किसी तरीके के कोई बड़े फैसले की उम्मीद जो है वो नहीं जताई गई है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से बदलाव होते हैं और साथ ही किस तरीके से राजस्थान की सियासत में परिवर्तन देखने को मिलता है। अभी अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव को नज़र में रखते हुए BJP लगातार ये कोशिश कर रही है कि जनता को लुभाया जा सके। कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन तमाम वादों को जो किए गए थे उन पर अगर उन्होंने काम नहीं किया है तो उसको उजागर किया जा सके और फिर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी को सुनिश्चित करवाना भी BJP का एक बड़ा प्लान है। अभी की अगर बात की जाए तो लगातार राजस्थान की सियासत में एक के बाद एक बड़े खुलासे किए जा रहे हैं, और साथ ही दोनों ही नेताओं के बीच, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो दूरी है वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है, और इस बीच कई तरीके के संकेत भी दिए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को लालसा देकर किसी तरीके की कई अलग अलग पार्टियों में आने की जो है एक तरीके से कोशिश की करवाई जा रही है नेताओं के द्वारा, लेकिन ये तमाम कयास आरई की जा रही है। फिलहाल आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया गया है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।